स्वामी मेरे विनायक को कहीं मत भेजो स्वामी, मैंने मैंने तो भले भांति इसका दुलार भी नहीं किया है, मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकती स्वामी। पुत्र, तुम गए तो वापस लौटकर नहीं आ सकोगे, ये जानकर तुम्हें भेजना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन होगा, किंतु अपना हृदय कठोर कर हमें ऐसा करना ही होगा। हमारा स्वार्थ छोटा है किंतु तुम्हारा कर्तव्य बड़ा है, और कर्तव्य के आगे स्वार्थ को झुकना ही होगा, यही उचित है। प्रिय, आप अपनी ममता का विचार कर उसे यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं, किंतु उस माँ का भी तो विचार कीजिए जिसे आपके पुत्र की आवश्यकता आपसे भी कहीं अधिक है। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र की माता, मेरे विनायक की आवश्यकता भला मुझसे अधिक और किसे हो सकती है? माता भूमि, माता भूमि, माता भूमि, जो हमें अन्न, जल और वायु प्रदान करती हैं, उनकी कितनी संतानों को नरांतक और देवांतक ने आतंकित किया हुआ है, किंतु अब तो सभी धामों में सर्वोच्च प्रभु महादेव की प्रिय काशी नगरी पर भी दुष्टों का प्रकोप छाने वाला है, तो देवी, काशी नगरी और धर्म की रक्षा के लिए आपको अपने पुत्र को भेजने में संकोच नहीं होना चाहिए, जो इस धरा के, धर्म के और आपके पुत्रों के शत्रु हैं, उन नरांतक और देवांतक का वध करने के लिए आप अपने पुत्र विनायक को हर्ष से भेजिए, यही एक माता का धर्म है। यदि विनायक ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो उसके अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा और प्रभु का अवतार निरर्थक हो जाएगा। क्या आप पुत्र विनायक को विफल होते देख सकेंगी? पिताश्री सर्वथा उचित कह रहे हैं माता, आपके दुलार, आपके वात्सल्य को पाकर मैं इतना निहाल हो गया कि कर्तव्य को लेकर मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। किंतु ना मैं अपने मार्ग से भटक सकता हूँ माता, और ना आप अपने वचन से। मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता, आपकी आज्ञा नहीं होगी तो मैं भला कैसे जा सकूँगा? हाँ पुत्र, मैं भी तुम पर दोष लगते हुए नहीं देख सकती, फिर इसके लिए चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती पुत्र। किंतु पुत्र, जिस प्रकार प्रभु श्री महागणाधिपति जी ने मुझसे वचन लिया था, मैं भी तुमसे एक वचन चाहती हूँ, मैं भी तुमसे एक वचन चाहती हूँ। चिंता मत करो पुत्र, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र, मैं इसी से अपने मन को संतुष्ट कर लूंगी। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा, किंतु आपको अपने आप को दृढ़ रखना होगा। यदि आपका हृदय भावुकता के आवेग में दुर्बल होने लगा तो मैं अपना हृदय नियंत्रण में कैसे रख सकूंगा माता? फिर तो मैं भी दुर्बल हो जाऊंगा ना। माता का बसमा को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूँ मैं। सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता।
ये लो पुत्र, ये मोती चूर के लड्डू हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मोती चूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। मार्ग में भूख लगेगी तो इन्हें खा लेना। ये लीजिए माता, ये आपके लिए है। नहीं पुत्र, ये भेंट मैं तुमसे तब लूंगी जब तुम मुझसे भेंट करने के लिए आओगे। जाओ पुत्र, सफलता प्राप्त करो। और हाँ पुत्र, जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये माता तुम्हें रोकने से स्वयं को रोक ना सकेगी। कैसे लिखी विदाई विधि में कहूँ विधाता, सजल विलोचन देख रही है पुत्र को माता। माँ सुत को जाते देखे चक्षु धो धोके, पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके। पुत्र विदाई से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र, चलिए राजन, व्याकुल है। त्रिलोकाधिपति विनायक काशी नरेश के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर चुका है। काशी नरेश, स्वर्गाधिपति का इतना बड़ा अपमान! हमसे सुरक्षित होने के लिए तुमने उस तुच्छ बालक की सहायता ली है, तो ठीक है, इसका परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं उस बालक को भी भुगतना होगा। तुम दोनों का अंत कर दूंगा। श्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब जब उस बालक का नाम आता है तब तब इतने क्रुद्ध क्यों हो जाते हैं आप? सारा का सारा धैर्य खो बैठते हैं। लगता है आप भूल जाते हैं कि दुष्टता में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। शब्दों का जाल मत बुनिए भ्राता नारायण तक, जो कहना है स्पष्टता से कहिए। ये किया ना आपने उचित प्रश्न। यदि राजा ही युद्ध में सर्वप्रथम जाएगा तो योद्धा क्या करेंगे? उचित कहा भ्राता, अपने सर्वाधिक शक्तिशाली भयंकर योद्धाओं को भेजो, जिससे वो दोनों कदापि काशी ना पहुंच सके। चिंता मत कीजिए भ्राता देवान तक, भयंकर योद्धा ही जाएंगे जो हमारे शत्रुओं को भयंकर मृत्यु देंगे। Bye.
महर्षि कश्यप को विनायक पर विश्वास है, किंतु मेरे मन में अभी भी यह प्रश्न घुमड़ रहा है, क्या उन दोनों का वध कर सकेंगे ऋषि पुत्र विनायक? तुम चले गए पुत्र, एक बार अपनी माँ की तरफ मुड़कर देख तो लेते, तुम्हारे बिना इस माँ का जीवन शून्य हो गया है पुत्र, शून्य हो गया है। अश्रु नहीं देवी, गर्व से भर दिया है हमारा जीवन पुत्र विनायक ने। ऐसे पुत्र को पाकर माता पिता को गर्व होना ही चाहिए, जिसने अपने कर्तव्य के पालन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। देवी, हमें उसे अश्रुओं के साथ नहीं अपितु मुस्कुराकर विदा करना चाहिए, ताकि उसे उसके माता पिता का बल मिले और उसका उद्देश्य पूर्ण हो, सफल हो। चलिए देवी, भीतर चलिए। एक बालक भला कभी अपनी माता पिता से दूर होकर शांत चित रह सकता है? वही मनोस्थिति ऋषि पुत्र की है, तन यहां मेरे साथ और मन अभी भी आश्रम में। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि महर्षि कश्यप ने इन्हें मेरे साथ क्यों भेजा। काशी नरेश, मेरे पिता महर्षि कश्यप एक महान ऋषि हैं। उनके निर्णय पर शंका मत कीजिए, अपनी चिंता त्याग दीजिए। मेरे पिता के वचन मेरे लिए सर्वोपरि हैं। उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, जो मैं अवश्य करूंगा। किसे भेजोगे तुम विराता नारायण तक? हमारे काल का काल बनने कौन है वो जो उस बालक के साथ काशी नरेश का भी जाकर अंत कर देगा? भेजना नहीं है भ्राता श्री, पहुंचाना है उन दोनों को, वो भी काल के काल में। काकाश्री त्रुमाश, वो बनेंगे उनका काल। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये कैसी मूर्तापूर्ण बात कर रहे हो भ्राता? काका श्री धूम्राक्ष करेंगे उसका अंत? तुम भूल गए हो क्या? वो अपने तप में लीन है, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आकाशवाणी ने संकट की सूचना दी, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। काका श्री, आप कैसी बात कर रहे हैं? कदाचित आप भूल गए हैं, आपका देवान तक सर्वशक्तिशाली है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पराक्रम और बल पर शंका नहीं है मुझे, किंतु मैं इस आकाशवाणी की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ब्रह्मदेव का कठोर तप करूंगा और ऐसा अस्त्र प्राप्त करूंगा उनसे जो मुझे अजय बना दे, और तुम्हारा कवच बन तुम्हारे काल का काल बन जाऊं। भूला नहीं हूं भ्राता श्री, किंतु अवसर का उचित लाभ उठाना भली भांति जानता हूं। काकाश्री का तप अपने चरम पर है, और जैसे ही काकाश्री को वरदान प्राप्त होगा, विनायक उनके सामने होगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? किंतु यदि विनायक काकाश्री के वरदान मिलने से पूर्व ही उनके सामने आ गए तो? हमारा कार्य तब भी अवश्य संपन्न होगा भ्राता श्री, क्योंकि काकाश्री के क्रोध के साथ साथ उनका बल भी बढ़ता जाता है, और उस बालक ने उनके तप में कोई भी बाधा डाली तो उनका क्रोध उत्पन्न होगा, और उस क्रोधाग्नि में वो दोनों भस्म। किंतु उनका मार्ग बदल कर काकाश्री तक उन्हें पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा नहीं भ्राता श्री, पहुंचाएगी काकी जरिम्भा।
ऋषि पुत्र विनायक तो अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। आशा है जब आवश्यकता होगी तो ये अपने सामर्थ्य का परिचय भी दे सकेंगे। ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? देखिए विनायक, ये बवंडर स्वाभाविक नहीं है, ये मायावी लग रहा है। कुछ कीजिए विनायक, इस बवंडर को रोकिए। अरे बिना इस महा का जीवन शून्य हो गया है पुत्र। अब अचानक इस बालक को क्या हो गया? विनायक, हमारी रक्षा आपके हाथों में है। मुझे तो लगता है ये कोई आसुरी शक्ति है जो घात लगाए हमारी प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा? हाँ सत्य है, माता तो अभी से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी, आप स्वयं को पीड़ा देकर कदाचित अपने पुत्र को भी पीड़ा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए देवी, चलिए भीतर चलकर विश्राम कीजिए। संकट हमारे और बढ़ रहा है विनायक, सावधान हो जाइए। अब विनायक कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही संकट का सामना करना होगा। ये कौन है? मैं तो उसे देखने में भी असमर्थ हूँ, तो फिर मैं अपने बाण का लक्ष्य किस पर साधूं? विनायक, विनायक मेरी सहायता कीजिए। मुझे तो लगता है ये उन दुष्ट भ्राताओं की भेजी हुई कोई मायावी शक्ति है। वायु का ये शीतल स्पर्श अर्थात काकी द्रिम्भा ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। तुम जो भी हो, मैं अपने बाणों की बौछार से रोक दूंगा तुम्हें। मेरे बाण तो व्यर्थ हो रहे। सहायता कीजिए विनायक, सहायता कीजिए। विनायक, आपने कहा था कि आपके पिता का वचन सर्वोपरि है, उनके वचन का मान रखिए, अपना कर्तव्य निभाइए। कुछ कीजिए विनायक, कुछ कीजिए। बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। देवी, हमने पुत्र विनायक को उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने और उसे उसका कर्तव्य निभाने के लिए ही तो भेजा है ना। जैसे ही उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा वो पुनः आपके पास लौट आएगा। देवी, उसे जाना तो होगा ना, वो मेरे पास रुकेगा तो नहीं ना, जाना ही होगा। ये कैसे मेरी सहायता कर पाएंगे जो स्वयं संकट को देख भयभीत हो अश्रुबहा रहे? विनायक, अभी तो मैं अपना धनुष भी उठाने में असमर्थ हूं। कुछ कीजिए विनायक, वरना ये बवंडर हमें उड़ा कर ले जाएगा। बताने आया विघ्न के
कदाचित आपका कर्तव्य आपके लिए निरर्थक है, उसके प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं। देवी, यदि आप दुखी होंगी तो वो सबल कैसे रहेगा, एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करेगा? उसे आपकी ममता की शक्ति की आवश्यकता है, जिससे पुत्र महोत्कट विनायक अपने अवतार को सार्थक कर सके। अवतार को सार्थक कर सके। नहीं पुत्र, मेरे कारण तुम दुर्बल नहीं बनोगे, ये वचन देती हूं मैं। नहीं पुत्र, तुम्हारी मां तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी सबल शक्ति का कारण बनेगी, और ये तुम्हारी मां का तुमसे वचन है। माता, आपकी शक्ति मेरे साथ है तो मेरे सभी दुख दूर हो गए। अब मैं दृढ़ता से सभी संकटों का सामना कर उन पर विजय पाऊंगा। बवंडर और प्रचंड हो रहा है, किंतु आश्चर्य, विनायक अब भयभीत नहीं। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही अपनी माता से भेंट करने आना है ना, तो एकाग्र हो और अपना कर्तव्य निभाओ और शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। हाँ माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। ये मायाविनी है इस बवंडर का कारण। काशी नरेश, अपना बाण दीजिए मुझे। बस बहुत हुआ। जिम्हा की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर तुमने ठीक नहीं किया बालक। तुम्हें अपना मार्ग बदलना ही होगा, तुम्हें वहां जाना ही होगा जहां तुम्हारा काल स्वामी धूम्राज तुम्हारा अंत करेंगे। इस शिला को भेजा इस दुष्टा ने। विनायक, कुछ कीजिए, इसे रोकिए। काशी नरेश, इस शिला का लक्ष्य ना मैं हूँ ना आप, अर्थात ये आसुरी हमें आहत नहीं करना चाहती, बस हमें हमारी दिशा बदलने पर विवश करना चाहती है, हमें कहीं भेजना चाहती है। मुझे तो सिर्फ ये शिला दिखाई दे रही है, आप इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। संभलिए काशी नरेश। विनायक में बल भी है, सफूर्ति भी। कदाचित मेरे संदेह का कारण मेरा भय ही था, किंतु बिना जाने परखे किसी के बारे में भी निर्णय लेना उचित नहीं। विनायक, हमारा रथ खाई की ओर बढ़ रहा है, इसे रोकिए विनायक, इसे रोकिए। रथ को गिरने दीजिए काशी नरेश। आपने जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु यदि आप थोड़ा शीघ्र सक्रिय हो जाते तो हम इस स्थिति में ना आते। अब आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं विनायक, और आपने किस आसुरी शक्ति की बात की थी?
क्या बवंडर में आपने किसी को देखा था? देखा था, और वो हमें यहाँ देखना चाहती थी। यही हमारी प्रतीक्षा में थी, किंतु क्यों? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसका मंत्रोच्चारण है? कौन यहाँ तपस्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ध्रुवाक्ष है ये, नरांतक और देवांतक का काका। ये विशालकाय ही नहीं, अभी तो अपने पिछले वरदानों के कारण अत्यंत शक्तिशाली है। ओम ब्रह्मदेवाय। वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे वरदान मांगने का समय आ गया है, मांगो। तो उचित है, मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। इस दुष्ट को यह अस्त्र प्राप्त नहीं होना चाहिए। यह दिव्य अस्त्र इसके हाथ में आते ही यह अजय हो जाएगा। विनायक, ये संयोग अद्भुत है। एक और दिव्य अस्त्र मेरे हाथों में आ रहा है, और दूसरी ओर उस दिव्य अस्त्र को अपने रक्त से तृप्त करने शत्रु स्वयं सामने खड़ा है। ये क्या किया आपने विनायक? आपने तो हमारा संकट बढ़ा दिया। हाँ, तुमने सत्य कहा शत्रु। ध्यान से देख लो मुझे, मैं ही हूँ तुम्हारे पापी, अधर्मी, नरांतक, देवांतक का काल। कौन किसका काल है ये अभी ज्ञात हो जाएगा। ये क्या कर दिया विनायक आपने? उसे चुनौती दे डाली। अब क्या होगा? होगा क्या, ये दिव्य अस्त्र इसके हाथों में आएगा ही नहीं। ये मेरी माता की दी हुई पोटली है, इसे संभाल कर रखिए काशी नरेश, शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? मेरा अस्त्र कहाँ गया? आश्चर्य, ध्रुवाक्ष का दिव्य अस्त्र विनायक के हाथों में। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने हाथों से ही मसल दूंगा तुम्हें। अब तो तुम भी पाप के भागी बन गए हो मेरे इस वरदानी अस्त्र को अपने हाथों में लेकर। इसीलिए मैं कहता हूँ इसे लौटा दो मुझे। पाप? कैसा पाप? मैंने ना तो कोई नियम भंग किया है, ना तुम्हारा वरदान, क्योंकि तुमने प्रभु ब्रह्मदेव से मात्र एक अस्त्र उत्पन्न करने के लिए कहा था। मेरे लिए कोई ऐसा दिव्य अस्त्र उत्पन्न कीजिए जो मेरे हाथों में आते ही मुझे सदैव के लिए अजय कर दे। बालक, शब्दों का जाल मत ढूंढो, ब्रह्मदेव मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं। मेरे लिए ही दिव्य अस्त्र उत्पन्न किया है, तो उसका प्रयोग भी मैं ही करूंगा। वो अस्त्र मेरा है, उसे मुझे लौटा दो।
अन्यथा अपने पांव ताली मसल के रख लूंगा तुम्हें। मेरा अस्त्र मुझे लौटा दो बालक, अन्यथा अपने पांव ताले मसल के रख दूंगा तुम्हें। इतना क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें विश्वास है ब्रह्मदेव ने ये अस्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न किया था तो सत्य ही होगा। लो इसे संभालो। विनायक ये अस्त्र आपने उसे क्यों दे दिया? ये कैसे मूर्खता की है तुमने? अभी अस्त्र पाकर मैं शीघ्र तुम्हारा अंत करूंगा। ये कैसा विचित्र आभास हुआ मुझे? कहीं चाचा श्री धूम्राक्ष का अंत तो नहीं हो गया? बहुत कर विनायक, आपने वध कर दिया इस दुष्ट का, आपकी जय हो। भ्राता मनु और मैंने यहाँ पहुँचने में विलंब कर दिया। हाँ माँ, मैं और जगन भ्राता यही सोच रहे थे कि उस बालक का अंत देखने में कितना आनंद आता, किंतु तब तक तो पिताजी ने उस बालक विनायक को असंभव को संभव कैसे कर दिया उसने। अब मेरे कोप से उस दुष्ट बालक को कोई नहीं बचा सकता। क्रोध नहीं भ्राता श्री, उसका सामना सूझबूझ से करना पड़ेगा। एक बालक होकर आप में असीम बल है, आश्चर्य है। मैंने आज तक आप जैसा बालक नहीं देखा। एक ही पल में इतने विशालकाय दैत्य को पल भर में ही धराशायी कर दिया। ऋषि पुत्र विनायक, कौन है आप? मेरा परिचय तो आपको ज्ञात है काशी नरेश। मैं महर्षि कश्यप और माता अदिति का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा से अपने कर्तव्य पर एकाग्र रहकर उसे संपन्न करना चाहता हूँ, जिससे मैं माता के पास लौट सकूँ। प्रतीक्षा करूंगी, अपने विनायक के लौटने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। जिस प्रकार माता अदिति को इधर विनायक के लौटने की प्रतीक्षा थी, उसी प्रकार माता पार्वती भी उधर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। माता जल। धन्यवाद पुत्र। पुत्र गणेश, तुम्हारा यहाँ ना होना मुझे हर क्षण कचोट रहा है। अभी तुम यहाँ होते तो प्रतिदिन के भांति जलाभिषेक के लिए कलश भर लाते। माता। पुत्र। ममता है भावों पुत्र की पावन सी गंगा। माता जल। माता है नीर जिसमें पुत्र है तरंगा। पार्वती क्षण क्षण गजानन को ध्यान, प्रत्येक प्राणी दिखे सोत समाना।
पूजन से अर्चन से ध्यान उचट जाए, खटका भी हो तो लगे लंबोदर आए। जय गणेश गणेश। नहीं तो भी ध्यान तो उसी में ही लगा हुआ है, इसीलिए ध्यान में बैठना भी कठिन हो रहा है। कितने भी प्रयास कर लूं पुत्र, पर मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही। शीघ्र आ जाओ मेरे पास पुत्र। स्वामी, जिसने हमारे पिता का वध किया, हम उसे उसका दंड दिए बिना जाने क्यों दे रहे हैं? नहीं, नहीं जाने देंगे उसे। प्रतिशोध लेंगे, प्राण दंड देंगे उसे। किंतु पुत्रों, जब शक्ति काम ना आए तो कपट विद्या काम करती है। इसीलिए हमें सोच विचार कर, योजना बनाकर इस बालक का सामना करना है। माँ, मेरे पास कपट भी है और योजना भी। आहा, वृक्ष की छांव उचित स्थान है, विश्राम के लिए भी और माँ के हाथों के लड्डू खाने के लिए भी। काशी नरेश, मुझे मेरी पोटली दीजिए ना। नहीं नहीं विनायक जी, विश्राम भोजन इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें तो आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी मुझे लगता है कि हम मार्ग भटक चुके हैं। लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। आपके विश्वास ने मेरे भीतर आस जगा दी, किंतु मुझे इतना भी विश्वास है, आपके हाथों उनके काका के मृत्यु का समाचार सुनकर नरांतक और देवांतक शांत नहीं रहेंगे। वो इसी ताक में रहेंगे कि कब उन्हें अवसर मिले और कब वो हम पर प्रहार कर सके। वो हम पर दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा करने दीजिए उन्हें। उनकी दृष्टि हम पर रहेगी तो उनके प्रत्येक कार्य पर प्रभु परम ब्रह्म की दृष्टि भी तो रहेगी। चिंता मुक्त होकर मुझ पर विश्वास रखिए। बात विश्वास की नहीं है विनायक, बस मैं अनावश्यक संकट से बचना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमें चलते रहना चाहिए। कदाचित विनायक जी ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। नहीं, ये तो यहां बैठ गए। विनायक जी आप? राजन, जीवन का मूल मंत्र है विश्वास। जैसा कि आपने कहा, विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान साथ हो तब भी भय ही दिखाई देता है, भगवान नहीं। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए और निश्चिंत होकर माता के हाथों के लड्डू खाइए। अधिक विचार स्वयं पर प्रहार के समान होता है, बस इतना समझ लीजिए। जहां अविश्वास है वहां विश्वास श्वास नहीं लेता। इसलिए विश्राम कीजिए और मेरे साथ कुछ लड्डू खा लीजिए। माता के हाथों के लड्डू तो भगवान के प्रसाद के समान है। देवी, अब आप कुछ भोजन कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक मैं अपने पुत्र को लड्डू नहीं खिला देती, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। आपने उसके साथ लड्डू बांधकर तो भेजे।
और यदि उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अपना नहीं तो अपने पुत्र का विचार कीजिए जो आपकी अद्भुत ममता से बंधा हुआ है। यदि आप कुछ नहीं खाएंगी तो पुत्र विनायक कैसे कुछ खा सकेगा। अवश्य उस दिन विनायक के सामने रखे उन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मेरी माता के हाथों से बनाए मोदक का होता है। मन कर रहा है मैं शीघ्र माता अदिति के निकट पहुंचूं और ये लड्डू खाऊं। तो चलिए ना प्रभु, आप चार खाएंगे तो दो मुझे भी तो मिलेंगे ना। अभी नहीं मूषक जी, जब तक विनायक की पूरी कथा का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होता तब तक मैं नहीं जा सकता। किंतु ये क्या कर रहे हैं, अभी तो इतने भूखे थे और अब लड्डू सामने हैं और अब बस उन्हें निहार रहे हैं। इनके मन की था पाना मेरे लिए तो कदापि संभव नहीं। आप अपने पुत्र को भोजन के लिए और अधिक प्रतीक्षा मत करवाइए, लीजिए कुछ भोजन कर लीजिए। आपने सत्य कहा स्वामी, माता और पुत्र तो एक दूसरे के प्राणवायु होते हैं। देवी पार्वती, आ जाएगा गणेश, शीघ्र आएगा। इतनी विचलित क्यों हो रही है आप? मन को शांत कर आसन ग्रहण कीजिए। किंतु देवी, एक माँ अपने मन को कैसे शांत कर सकती है, और वो भी जब उसका पुत्र उससे दूर चला गया हो। और देखिए ना देवी लक्ष्मी, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। गणेश जा रहा था और मैंने उसे भोजन भी नहीं दिया। भूखा होगा मेरा पुत्र, भूखा होगा। देवी पार्वती, आप व्यर्थ चिंता कर रही है। ये तो आप भी जानती हैं कि देवी अदिति उसे कदापि भूखा नहीं रहने देंगी। गणेश को देखते ही सर्वप्रथम दुलार से उसे भोजन करवाएंगी वो। इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए देवी। किंतु गणेश को कहीं माता अदिति के हाथों का भोजन भाग गया तो, अपनी माँ के हाथों के मोदक का स्वाद भूल गया तो मैं क्या करूँगी देवी? देवी आप व्यर्थ चिंता कर रही है। कोई कितना सावधान रहे भला, अब तो मेरे पांव भी थक गए किंतु इनका मुख लड्डू खाते खाते नहीं थक रहा है। इतना टहलेंगे राजन, आइए कुछ लड्डू खाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए, हमारी यात्रा अवश्य सफल होगी। थकान तो हो रही है, विश्राम भी करना चाहता हूँ, किंतु यहाँ असावधानी बरतना रुकना उचित नहीं है। अभी तक तो शत्रु हम पर वार करने की योजना भी कर चुका होगा। सही कहा पुत्र जगन तुमने, ये थके भी हैं और भूखे भी। तब तो अवश्य ही हमारी योजना सफल होगी माँ। भ्राता मनु, तुम हमें मिले वरदान का प्रयोग करने के लिए तैयार रहो।
लीजिए राजन, एक लड्डू तो खा लीजिए। नहीं खाना चाहते तो आपकी इच्छा, किंतु माता के हाथ के इतने स्वादिष्ट लड्डू खाने का अवसर गवा रहे हैं आप। आहा, आनंद आ गया। कितने भी खा लो मन ही नहीं भरता। एक और खाता हूँ। विनायक आप पूछेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। ये तो लड्डू खाए जा रहे हैं और मेरी भूख बढ़े जा रही है, पर अब तो ये मुझसे खाने के लिए पूछ भी नहीं रहे हैं। अब दो ही बचे हैं, ये भी खा लेंगे विनायक। मुझे ही मांग लेना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। अभी तक सुधा तृप्त नहीं हुई, शेष लड्डू भी खाता हूँ। और वैसे भी माता ने जो बनाया है वो तो प्रसाद है, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, अन्यथा भूखे ही रह जाना पड़ता है। दो ही बचे हैं, ये खाऊं या ये खाऊं? ये कैसा स्वर है? कोई आ रहा है? नहीं, बस एक लकड़हारा है। बस अब इस अंतिम लड्डू को बड़ा स्वाद लेकर खाऊंगा। रुकिए विनायक, माता का प्रसाद है, इसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? आपकी अनुमति हो ग्रहण कर लूं मैं? अवश्य राजन। है ना स्वादिष्ट? बहुत स्वादिष्ट है, किंतु विनायक जी इसको खाने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई। किंतु राजन, इस घने वन में जहाँ फल के वृक्ष भी नहीं है, आपको भोजन कहाँ मिलेगा? सब संभालो। आपने मेरी सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं क्या? अवश्य ही मार्ग भटक गए होंगे, है ना? यहीं समीप में मेरी कुटिया है, वहां चलकर कुछ खा लीजिए और अपनी थकान भी मिटा लीजिए। हम निर्धन हैं, किंतु अतिथि सत्कार में किसी से पीछे नहीं हटते। मेरी माँ आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी और हम आपका ऐसा सत्कार करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इतने कोमल हाथ कठोर परिश्रम करने वाले लकड़हारे के तो नहीं हो सकते। इन्हें तो मैं देखते ही पहचान गया था, ये अवश्य कोई दिव्य बालक है और आप अवश्य किसी राज्य के राजा हैं। और राजा का सत्कार करना तो प्रजा का धर्म होता है, तो मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हाँ, यदि मुझे तुच्छ लकड़हारा मानकर आप मेरी कुटिया में नहीं चलना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। राजा का धर्म होता है, धनी हो या निर्धन, सभी प्रजाजनों को समान दृष्टि से देखना, अन्यथा वो राज्य के योग्य नहीं। तब तो आपका स्वागत है। यहीं समीप है मेरी कुटिया, उन झाड़ियों के पीछे। मेरी माँ तो आपके लिए भोजन बना ही देगी, किंतु मैं और मेरा भाई मालिश में निपुण है। मेरी माँ विशेष औषधि भरा तेल बनाती है। हम दोनों भाई मिलकर आपकी ऐसी मालिश करेंगे कि आपकी आत्मा भी तर हो जाएगी। आइए, अब तो आपको चलना ही चाहिए। माँ, भ्राता मनु, देखिए कैसा है हमारा सौभाग्य, आज हमारे यहाँ अतिथि पधारे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए विराजिए।
आप लोग भूखे प्यासे होंगे ना, मैं आप लोगों के लिए जल और भोजन ले आती हूँ। भोजन ग्रहण करो पुत्र। माँ, ये यात्रा से बहुत थक गए हैं, आप अपना विशेष औषधि वाला तेल दीजिए ना, मैं और भैया मिलके मालिश करके इनकी थकावट मिटा देंगे। हाँ हाँ पुत्र, अभी लाती हूँ। अतिथि सत्कार तो हमारा परम धर्म है, अब भी तेल ले आती हूँ। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, जैसे कहीं कुछ अनुचित है। बच गए, यदि वो देख लेते तो हमारा भेद खुल जाता। एक बार इस तेल की मालिश तो हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। अद्भुत शक्ति है माँ के औषधि वाले तेल में, और उतनी ही अद्भुत शक्ति है हमारे हाथों में कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छू मंतर हो जाए। भैया का अर्थ है कि थकावट दूर हो जाएगी और शक्ति वापस लौट आएगी। हैं, क्यों भैया, यही ना? हाँ हाँ, कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छू मंतर हो जाए, बस शांति ही शांति रहेगी। उचित है, तब तो आप सर्वप्रथम काशी नरेश की ही मालिश कर दीजिए। राजन की मालिश की बात से ये ऐसे विचलित क्यों हो गए? क्या है इनका भेद, ये चाहते क्या है? लीजिए, ये कैसी बात कर दी आपने, राजन तो महान है, वो कैसे एक बालक को पीड़ित देख सकते हैं? इसलिए वो भी यही चाहेंगे कि सर्वप्रथम आपकी पीड़ा दूर हो दिव्य बालक। और राजा की आज्ञा का पालन करना तो प्रजा का धर्म है ना, इसलिए हम अपने धर्म से नहीं हटेंगे। सर्वप्रथम हम माँ आपकी मालिश करेंगे, क्यों महाराज, उचित है ना? हाँ, ये उचित कह रहे हैं विनायक, मालिश तो पहले आपकी होनी चाहिए। ये दोनों मेरी ही मालिश करने पर तुले हैं, वो भी अपनी माता के द्वारा तैयार किए गए विशेष तेल से, अवश्य इसमें इनका कोई ना कोई कपट है। माँ, विशेष तेल तैयार हो गया? हाँ, बस लाई लाई। माँ को समय लग रहा है, और इससे पहले कि मनु कुछ कहकर हमारा भेद खोल दे, मुझे किसी युक्ति से इसे यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए। जब तक माँ तेल तैयार कर रही है, आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके और क्या सेवा कर सकते हैं। नारियल का जल कंठ को तृप्त कर देता है, उसका श्वेत गूदा आहा अत्यंत स्वादिष्ट होता है। अब तो नारियल खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, बुला दीजिए ना। उचित है, आप यहीं विराजिए, हम यूं गए और यूं आए। चलिए, अतिथि बनाकर सदा के लिए विदा करने लाया था। किंतु ये तो वास्तव में हमसे अपना सत्कार करवा रहा है। यही परिणाम होगा उस बालक का। लीजिए, तेल तैयार हो गया। किंतु मेरे पुत्र, वो कहाँ है? वो दोनों विनायक के लिए नारियल लेने गए। बस अब इस तेल का स्पर्श हो जाने दीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा पुत्र। माता किसी भी रूप में क्यों ना हो, पुत्र के लिए तो वो माता ही रहती हैं। इन दोनों को भी अभी जाना था। ओ, तो ये बात है,
इस घाव को छिपाने के लिए ही ये अपना मुख ढक रही हैं। ये तो वही आसुरी जी हैं, जिनको कुछ समय पूर्व ही मैंने घायल किया था। माता, आपको देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मेरी ही माता मेरे सामने हो। आप मेरी माता जैसी ही हैं, और माता के हाथों से जो कार्य हो वो तो संतान को बहुत सुख पहुंचाता है। तो आप ही मेरी मालिश कर दीजिए ना माता। मैं कर दूं मालिश? किंतु मैं तो इस विष का प्रभाव नहीं सह सकती। ये कार्य तो मेरे पुत्र को ही करना था। क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गईं? कर दीजिए ना मेरी मालिश, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अतिथि का आग्रह ठुकराया नहीं जाता। रुक जाइए। आपको माता पुकारा है तो इस विष से आपकी हानि कैसे होने दूं? हाँ? और आपने भी मुझे पुत्र कहा है, तो मैं आप पर पुत्र को हानि पहुंचाने का दोष नहीं लगने दे सकता। इसलिए मुझे विष लगाने का अपराध मैं आपको नहीं करने दूंगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? मैं भला विष क्यों लाऊंगी, वो भी तुम्हारे लिए? तुम तो मेरे पुत्र समान हो। केवल पुत्र के समान कह देने मात्र से कोई आपका पुत्र नहीं हो जाता। उसके लिए चाहिए वास्तविक ममता, जैसे मेरी माता अदिति मुझे देती हैं। इसलिए आपके ममता की ढोंग को मैं भली भांति पहचान गया। मैं भला ममता का ढोंग क्यों करूँगी पुत्र? मन में प्रतिशोध का विष और हाथ में दूषित विचारों का विष लेकर कोई किसी को पुत्र कैसे पुकार सकता है? धिक्कार है, कम से कम माता शब्द का अपमान तो मत कीजिए। अपने आंचल की छांव में तो माता अपनी संतान को आने वाले हर संकट से छिपा कर रखती है, और आप विष मिला तेल छिपा रही हैं? आपका घाव देखकर मुझे आपके कपट का आभास हो गया था। अनुमान था मुझे कि आप औषधि नहीं विष मिला रही हैं उस तेल में। किंतु मैं शांत रहा क्योंकि मुझे आपने पुत्र कहकर पुकारा, तो मुझे लगा आप मेरे साथ कपट नहीं कर सकेंगी। क्योंकि मैंने तो सदा यही सुना है कि एक पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। माता अपनी संतान की प्रथम गुरु होती हैं, उसे सुपथ पर चलने का मार्ग दिखाती हैं। किंतु आप तो अपने पुत्रों के प्रति भी ममता का ढोंग कर रही हैं, उन्हें अधर्म की खाई में धकेल रही हैं। क्या अपने पुत्रों के प्रति भी आपके मन में कोई ममता नहीं? आपके मन में कोई ममता नहीं? आपके मन में कोई ममता नहीं? भूत कपूत हो सकता है किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। भूत कपूत हो सकता है किंतु माता कुमाता कदापि नहीं हो सकती। धन्य है वो माता जिसने आपको अपने पुत्र रूप में पाया है। उनके चरणों में मेरा वंदन। तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर के सभी विकार रूपी विष को धो दिया है। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। और सत्य है, मैंने माँ और ममता दोनों शब्दों का अपमान किया है। मुझे क्षमा नहीं, मुझे दंड दीजिए। भूल कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का निर्णय लेना मोक्ष प्राप्ति का प्रथम पग है माता। क्षमा कीजिए प्रभु, जाने अनजाने अपराध करती गई, अब मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए प्रभु। मैं इसी पल अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ। ओम नमो नारायणाय।
आपकी दिव्यता केवल बल में नहीं अपितु आपकी बुद्धि में भी है विनायक जी। किंतु मेरे मन में एक शंका को शांत करने की कृपा करें प्रभु। उस कुटिल कपटी आसुरी के मन में ना तो आपके प्रति श्रद्धा थी ना ही भक्ति, फिर वो आपसे मुक्ति प्राप्त करने की भागी कैसे बन गई? क्योंकि राजन, उन्होंने एक माँ के रूप में मुझे भोजन परोसा था। उस पल में वो मेरे लिए माता अन्नपूर्णा का ही तो रूप थी, और फिर अपने अपराध को स्वीकार कर उन्होंने स्वयं को मेरे प्रति समर्पित भी तो किया था। मैं समझ गया प्रभु, किंतु वो दोनों यहाँ लौटे, यहाँ आकर उनके बारे में प्रश्न करें, उससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजन, पाप की गागर तो जघन और मनु की भी भर चुकी है, इसलिए उनका अंत अब उनकी नियति है। हाँ प्रभु, अब मुझे उनका उचित परिचय प्राप्त हुआ, स्मरण हुआ कि उन्हें पहले से कोई विशेष और बड़ा वरदान प्राप्त है। अद्भुत शक्ति है माँ के औषधि वाले तेल में, और उतनी अद्भुत शक्ति है हमारे हाथों में कि हमारे छूते ही सारी शक्ति छूमंतर हो जाए। इसीलिए हम जब से यहाँ आए हैं वो दोनों मेरा स्पर्श करना चाहते थे, जिससे वो मेरी शक्ति सोख कर अपनी शक्ति को दोगुना कर सके। तो प्रभु, आप उनका सामना कैसे करेंगे? उसके लिए तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उन्हें भ्रम हो कि वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता में वो मुझे स्पर्श कर ही ना पाए। ऐसा क्या हो सकता है? मैं देखता हूँ, कदाचित मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे उनकी कुटिया में ही मिल जाएगा। आप द्वार पर रहिए, यदि वो दोनों आते दिखाई दें तो मुझे सावधान कर दीजिएगा। हाँ प्रभु। मुझे उपटन समान किसी लेप की आवश्यकता है, जिससे जघन और मनु जब उसे मेरी देह पर मले तो वो उपटन उनके स्पर्श को मेरी त्वचा तक पहुंचने से रोक दे। नारियल के वृक्ष पर चढ़ना हमारा काम नहीं है भैया जघन, चलिए लौट चलते हैं, कह देंगे कि हमें नारियल नहीं मिला। और वैसे भी माँ अपना विषैला तेल तैयार कर चुकी होंगी। नहीं भ्राता, वो कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत चतुर है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो उसे हम पर संदेह हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जो प्रभु ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ना मिले और वो दोनों दुष्ट लौट आए। ये देखो, कहा था ना, मिल गया नारियल। यहाँ तो मुझे कहीं उपटन दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उपटन कहाँ से लाऊं? नमस्ते शरण्ये शिवतानुकम्। माँ शक्ति। प्रणाम माता। पुत्र विनायक, तुम्हारी माता अदिति की ममता और तुम्हारी मातृभक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कहो पुत्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुछ उपटन की आवश्यकता है, मुझे उपटन देने की कृपा कीजिए। बस पुत्र, इतनी सी बात? अब भी देती हूँ। ये लो पुत्र। माता, इतनी ममता से आपने मुझे पुत्र बुलाया, इतने स्नेह से मुझे उपटन दिया, मैं वचन देता हूँ माता, मैं भी आपके प्रति पुत्र धर्म निभाऊंगा। द्वापर युग में मैं आपके उपटन से आपका पुत्र बनकर आऊंगा। मेरे उस रूप में मुझे गणेश के नाम से जाना जाएगा, और माता अदिति के समान आपकी भी ममता का सुख प्राप्त करूंगा। और माता, आपको भी उस अपार ममता के अनुभव का आनंद मिलेगा ना? हाँ पुत्र, वचन दिया है तो अवश्य उसे निभाना। तुम्हारी ये माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब जाओ पुत्र, जाकर अपना कर्तव्य निभाओ और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर
शीघ्र मेरे पुत्र बनकर मेरे पास लौटो पुत्र। अर्थात मुझे तब भी ज्ञात था कि आगे चलकर मैं माता पार्वती का पुत्र बनकर अवतार लूंगा। अब दूसरा वचन जो मैंने विनायक के रूप में माता अदिति को दिया था कि मैं एक बार उनसे मिलने अवश्य आऊंगा। परंतु उससे पहले आपको विनायक की कथा संपन्न करनी होगी प्रभु। अवश्य मूषक जी। प्रभु, आप जो ढूंढ रहे थे मिला आपको? मिल गया नारियल। अतिथि को निराश करना हमारे स्वभाव में नहीं है। हाँ, कठिन अवश्य था, परंतु हम आपके लिए नारियल ले आए। और वैसे भी अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान है। तेल की कटोरी खाली है और माँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारी माँ कहाँ है? मैं थका हुआ था ना, तो आपकी माता की इच्छा हुई मेरे शीश की मालिश कर दें, फिर मुझे ये तेल समर्पित कर वो चली गईं। अद्भुत, प्रभु ने असत्य भी नहीं कहा और इन दोनों को ज्ञात भी नहीं होने दिया कि उनकी माँ कहाँ गई। माँ कदाचित समझ गई होंगी इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ा तो माँ चली गई। इसलिए जो भी करना है हमें ही करना है। क्या हुआ, आप दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? विचार कर रहे थे कि आपकी सेवा कैसे करें। माँ ने आपके सिर की मालिश तो कर दी होगी, लाइए हम आपके पैर की मालिश कर देते हैं। हाँ हाँ अवश्य, मैं भी तैयार हूँ और राजन भी, किंतु तेल की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे मालिश करेंगे? वैसे माता ने मुझे ये उपटन दिया है, इससे मालिश कर दीजिए। चतुर गणेशा। माँ अपनी तैयारी करने के बाद ही यहाँ से गई है। और वैसे भी उपटन हो या तेल, हमें क्या करना है? हमें तो बस इसे स्पर्श करना है और इसकी शक्ति सोखनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपकी उपटन से ही मालिश कर देंगे। हाँ और फिर आपको स्नान भी करवा देंगे। हाँ अब आपके पैरों की थकान मिटाने की बारी है, आइए। ये क्या कर रहे हैं आप, इन्हें अपना स्पर्श क्यों करने दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। हमारा स्पर्श होने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ये तो जस का तसी है। रुक क्यों गए, आपने तो कहा था अतिथि का सत्कार करते हैं सारी थकान मिटा देंगे, तो कीजिए ना, ऐसी मालिश कीजिए कि आनंद आ जाए। जी अवश्य अवश्य भ्राता मनु, और उपटन लेके पूरे बल से इनकी मालिश कीजिए। अब समझा, ये है विनायक की युक्ति, उपटन की एक परत रहेगी तो ये दोनों कुछ भी कर लें, प्रभु की त्वचा तक नहीं पहुंच सकेंगे। हाँ हाँ अच्छे से मालिश कीजिए, इसके बाद मेरी भी तो सेवा करनी है आप लोगों को। सेवा तो कर चुके, अब मेवा मिलने का समय है। किंतु कुछ हो क्यों नहीं रहा है? और आप वहां थोड़ा बाईं ओर सख्ती से कीजिए मालिश, ढीले हाथ से नहीं। ओहो अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या, सख्ती से कीजिए ना,
थकान मिटाने वाली मालिश कीजिए, दिखाने वाली नहीं। आहा, अब आनंद आया। क्या हुआ, मेरी शक्ति प्राप्त करने के स्थान पर आप दोनों अपनी ही शक्ति खो रहे हैं? इसमें चकित होने की क्या बात है, यही योजना थी ना आप दोनों की? इसको ज्ञात था, अर्थात ये हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा था और हमसे अपनी मालिश करवाए जा रहा था। ए बालक, हमारी माता कहाँ है, तूने उनके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, हाँ पर मैंने उन्हें सत्य का आभास अवश्य कराया, और जिसे अपने पाप कर्मों का आभास हो जाता है और जो शरणागत हो जाता है वो क्षमा का अधिकारी हो जाता है। मैं धूम्राक्ष पुत्र जगन हूँ, इतनी सरलता से हार स्वीकार नहीं करूँगा। और मेरा तो स्वभाव ही है, मैं पराजित होता नहीं, करता हूँ। और भूल मत करो, अपनी भूलों को सुधार लो, अपने अहंकार, अपने मैं पर नियंत्रण करो। मैं भूलता नहीं हूँ, भुला देता हूँ। और मैं तो बड़े से बड़े योद्धा को अपने सामने टिकने नहीं देता। इसी नारियल से आघात करेंगे। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। आप असाधारण हैं, अद्भुत हैं, मुझे विश्वास है आप दिव्य शक्ति हैं, इसीलिए महर्षि कश्यप ने आपको मेरे साथ भेजा है। मैंने तो पहले ही कहा था राजन, मुझ पर विश्वास रखिए। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, अपने प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति से व्यक्त होता है, और जिन्हें अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है उन्हें सदा मुक्ति मिलती है। किंतु प्रभु, ये दोनों तो महादुष्ट और महापापी थे, फिर आपने इन्हें मुक्ति क्यों दी? क्योंकि इन्होंने भी एक बड़ा कार्य किया। बड़ा कार्य? किसी भी कारण से की हो, किंतु इन्होंने मेरी सेवा तो की ना, और फिर मेरे चरणों पर नारियल भी चढ़ाया। कदाचित आपको नारियल चढ़ाने का महत्व नहीं ज्ञात, मैं बताता हूँ। व्यक्ति का मैं यानी उसका अहंकार नारियल का बाहरी कठोर भाग है, और यही उसकी पहचान बन जाती है। नारियल के भीतर का जल उसकी कामनाओं और वासनाओं का प्रतीक है, और जिसका प्रतीक नारियल का कोमल उज्जवल गूदा है वो मनुष्य का सबसे पवित्र भाग स्वयं परमात्मा द्वारा रचित होता है, एवं उसके अंतर का गूढ़ भाग उसकी आत्मा और परमात्मा का एकाकार स्वरूप है। इसलिए नारियल चढ़ाने का अर्थ है अपने अहम को तोड़कर, अपने भीतर की कामना और वासना को बहाकर अपने सबसे पवित्र भाग अर्थात अपनी आत्मा को प्रभु पर समर्पित करना। और जब स्वयं का समर्पण हो जाए फिर जो शेष बचता है वो प्रभु का प्रसाद ही तो होता है, जिसको संपूर्ण मानव जाति के साथ बांटा जाता है।
बताइए काशी नरेश, क्या समझे आप? यही कि जो अपने अहंकार को तोड़कर अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है वो प्रभु प्रसाद के समान पवित्र हो जाता है, और प्रभु का प्रसाद तो संसार के भलाई के लिए होता है, इसलिए उसको सबके साथ बांटना चाहिए। उचित कहा आपने, किंतु एक बात आप अभी भी भूल रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियाँ, छोटे छोटे सुख जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अस्वीकार किया तो एक तृष्णा, एक भूख मन में बस जाती है, और फिर उस भूख को मिटाने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हम बड़ी भूल कर बैठते हैं। राजन, यदि आपने आरंभ में लड्डुओं के लिए मना नहीं किया होता तो आपकी भूख नहीं बढ़ती और आप इन तीनों के जाल में ना उलझते। उचित कहा प्रभु। देवी, आप मेरे लिए प्रतीक्षा असहनीय होती जा रही है। आप अपनी ममता पर विश्वास रखिए देवी पार्वती, गणेश आ जाएगा, शीघ्र आएगा वो। मुझे अपनी ममता पर तनिक भी अविश्वास नहीं है देवी, किंतु ये एक ऐसी भावना है जिसे संभालना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। इसे केवल एक पुत्र की माँ ही समझ सकती है, कदाचित आप इसे नहीं समझ सकेंगी देवी लक्ष्मी। कदाचित आप उचित कह रही है देवी, परंतु अभी तो आपको स्वयं को समझाना होगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आपको, क्योंकि अभी तो गणेश अपने पूर्व अवतार को लेकर अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर रहा होगा। धूम्राक्ष और जिम्भा की पराजय से तिल मिलाए हुए नरांतक और देवांतक अब इससे भी बड़ा विघ्न उत्पन्न करने जा रहे थे। कोई युक्ति नहीं चलेगी, स्वयं जाऊंगा मैं। भ्राता श्री, युक्ति और शक्ति में तो ये पूर्ण पारंगत है, किंतु क्या ये छल का सामना कर सकेगा? इसकी परीक्षा अभी बाकी है, और यदि हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा तो पहले मैं जाऊंगा। तो ले लो उसकी परीक्षा, ये भी करके देख लो, किंतु कौन करेगा उसके साथ ये छल? गंदर और कूपक। बहुत प्यास लग रही है, जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्यास लगी है तो भटक क्यों रहे हैं? वहां देखिए, कुआं है, किसी भी जलाशय से अधिक स्वच्छ और मीठा है इस कुएं का जल। आओ चलो, जल पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। चलो, और स्वाद ही नहीं, उसका दृश्य भी बहुत अद्भुत है। कुएं में झांक कर देखोगे तो दिल आनंदित हो उठेगा। अच्छा, क्या वास्तव में इतना अद्भुत है इसका जल? विश्वास नहीं होता तो स्वयं झांक कर देख लो। वाह कंदर वाह, आनंद आ गया। हाँ कंदर, छल करना तो कोई तुमसे और खूपक से सीखे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि हमारे लिए कोई कार्य था तो हमें बुला लेते। कार्य है कंदर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम दोनों को शीघ्र करना है। बस आप आदेश दीजिए प्रभु। प्रभु, धूप का ताप थकान को बढ़ा रहा है, चलना भी बहुत कठिन हो रहा है प्रभु। प्रभु,
राजन। अब तो विश्राम के बाद ही चला जाएगा प्रभु, मुझे प्यास भी लगी है, थोड़ा थोड़ा जल चाहिए विनायक। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह भी नहीं। राजन थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे चलिए, कदाचित मार्ग में कहीं जल मिल जाए। अच्छा प्रभु, चलिए। क्या हुआ पुत्र, इतने व्याकुल क्यों हो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। जल, थोड़ा जल चाहिए। हाँ लीजिए ना। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरा कमंडल तो खाली हो चुका है, इसका तो जल मैं ही पी गया। किंतु चिंतित ना होइए राजन, निकट में ही जल का कुप है, जिस पर स्वयं देवताओं की कृपा है, जिसमें सदा ही जल रहता है। उसके दिव्य जल की चमक तो बहुत ही आनंददायक है, जैसे प्रभु का आशीर्वाद हो। उसके जल के पान से तुम पुण्य के भागी बनोगे पुत्र। ये ऋषि इस कुप की कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं। उचित है ऋषिवर, इतना अद्भुत कुप है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलिए मुझे उसके निकट ले चलिए। नहीं राजन, पिताश्री ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है, तो आपके लिए जल लाने का कर्तव्य भी मेरा है। उचित। हाँ राजन, आप थके हैं, मैं इस बालक को कुप दिखा देता हूँ, चलो बालक। ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इन ऋषि को पहले भी कभी देखा है? ऐसा अद्भुत जल है इस कुप का, जैसे इसमें जल नहीं अमृत हो। कौन है ये ऋषि? मैं कंदर हूं, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ, तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये तो वो दुष्ट असुर है। प्रभु सावधान हो जाइए। प्रभु, आसुरी छल था ये, किंतु आश्चर्य है प्रभु, आपकी दृष्टि में भी नहीं आया, आप भी इसमें उलझ गए। क्या हुआ काशी नरेश, तुम्हारा रक्षक तो स्वयं अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। दुष्ट असुर, ये कैसा पाप किया तूने? पाप क्या पुण्य क्या, सब हार और जीत पर निर्भर करता है काशी नरेश, और यहाँ हमारी जीत हुई है, और तुम उस बालक को आप कभी नहीं देख सकोगे। मैं ऋषि कश्यप को क्या उत्तर दूंगा, उनके पुत्र को कैसे संकट में डाल दिया मैंने? उत्तर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो राजन, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु का समय आ गया है। अचंभित क्यों होते हो, भला देवांतक और नरांतक की अधीनता छोड़कर कोई बालक की शरण लेता है क्या? तुम्हारी मूर्खता का परिणाम यही होना था। अब भुगतो। वीर योद्धा परिणाम की चिंता नहीं करते, युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो मेरे साथ। एक और मूर्खता कर रहे हो राजन, चलो अब तुम्हारी दोनों मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा। Oh!
यही योद्धा का धर्म है राजन, इसका उदाहरण अब मैं दूंगा। तुम्हारे निशस्त्र होने पर भी रुकने की मूर्खता नहीं करूंगा। विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। मुझ पर विश्वास रखिए। विनायक विनायक विनायक। कूपक का निर्माण वध कर दिया इसने, कैसे? सत्य है, विश्वास है तो आस है, और आस है तो श्वास है। विश्वास की पतवार से जीवन की नैया बड़े बड़े भंवर से निकल आती है राजन, बस आपको मुझ पर विश्वास रखना है। विश्वास के श्वास में विष तो मैं घोलूंगा। मेरे परम मित्र का वध करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है बालक, इसका भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। अद्भुत। जय विनायक देवा। तुम विनायक जी को प्रणाम कर रहे हो कंदर, तो क्या तुमने पराजय स्वीकार कर ली? ना प्रणाम ना पराजय, कुछ नहीं था वो। जो मैंने देखा वो सत्य नहीं, ब्रह्म था वो। तुम्हारी माया थी वो, तुम्हारी माया से तुम मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। निशस्त्र योद्धा पर वार करने वाले पराक्रमी नहीं भीरू होते हैं, और ये तो धर्म के विरुद्ध भी है। इसलिए उठो असुर, अपना अस्त्र उठाओ। जो अवसर का लाभ नहीं उठाते वो योद्धा नहीं, मूर्ख होते हैं बालक। तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो जो काशी नरेश ने की थी, अवसर मिलने पर मेरा वध न करने की मूर्खता। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अद्भुत। हे प्रभु, मन में अविश्वास आते ही आपका चमत्कार फिर से विश्वास जगा देता है। आपकी चतुराई, आपकी शक्ति, दोनों के आगे मैं नतमस्तक हूं प्रभु। किंतु प्रभु,
एक बात समझ में नहीं आई, आपने इन दुष्टों को मुक्ति क्यों दी? जाने या अनजाने में की गई सेवा का फल तो इन्हें मिलना ही था। जहां एक ओर कूपक ने धूप के प्रकोप से मुझे बचाया, विश्राम करने का स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर कंदर ने अपने अस्त्र को मेरे चरणों में रखकर मुझे प्रणाम किया, इसलिए दोनों को मुक्ति मिली। आपकी लीला, आपका चमत्कार ईश्वर के समान है। ए महर्षि पुत्र विनायक, आपके भीतर ईश्वरीय गुण है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। मैं समझ गया प्रभु। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु, ये मैं नहीं समझ सका। उचित समय आने पर आप सब समझ जाएंगे, किंतु हे काशी नरेश, ये समय है काशी की पावन भूमि की ओर प्रस्थान करने का। हाँ प्रभु, उचित कह रहे हैं आप। इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें, हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए। काशी तो हमारे सामने है। जिस प्रकार बिना ईश्वर के भक्ति नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना भक्त की भक्ति के भी कोई ईश्वर नहीं हो सकता। भक्त के मन की भक्ति ही ईश्वर की शक्ति होती है। भक्त का अटूट विश्वास ही उसे ईश्वर बनाता है। अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने से समस्त पापों का क्षय होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।